हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जीरंड और नाउन से पूर्व व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे सिंथेसिस में यह जो आपका टॉपिक है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। भी आप जानते हैं एक नाउन की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन जो नाउन होता है उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है वह नाउन है। तो फ्रेंड्स, और जो जीरंड होता है यह हिंदी अर्थ लेंगे तो ना, नी, ने आपको देखने को मिलेगा, और हम इसे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहचानते हैं इंग्लिश में। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक है। तो फ्रेंड्स देखें आप, टहलना हिंदी में ना देखने को मिला है, और फ्रेंड्स यही मैंने बताया कि हिंदी में ना अक्षर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यह नाउन की तरह ही कार्य करता है, तो आपको लिखना होगा वॉकिंग। अब है इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ऐसे मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग मुझे खेलना पसंद है, तो ना पसंद है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस देख लेते हैं। और प्रीपोजिशन वह होता है प्री और पोजिशन दो शब्दों से मिलकर मिला है, यानी पहले वाले को दूसरे से जोड़ता है, प्रीपोजिशन उसे कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन देख लेते हैं फ्रेंड्स जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन लिख रखे हैं, जैसे कि फॉर के लिए के अर्थ में भी आप इसे यूज करेंगे, और के बदले में भी, और कोई प्राइस होगा उसके लिए भी आप फॉर का यूज करेंगे। विद, से और के साथ, आप जानते हैं से किसी चीज़ के साथ, कोई टूल हो, कोई वीपन हो, उसका प्रयोग करेंगे तो आपको विद का यूज करना है। अगला है आपका ऑन, पर और विदाउट, के बिना, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, दोनों का हिंदी अर्थ होगा के कारण, जिन्हें आप सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं और बीच में भी। और ड्यू टू, इसे आपके सेंटेंस के बीच में ही यूज करना है, इसका हिंदी अर्थ भी होता है के कारण। अगला प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स आपका आफ्टर, जिसका हिंदी अर्थ होगा के बाद, बिफोर, के पहले, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, और बाय, के द्वारा या से, और फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ, के बजाय, और आपका एक और प्रीपोजिशन है इन, इसे आप मैं के अर्थ में यूज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ही वॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, ही पेड RS फॉर इट, और उसने इसके लिए ₹5 अदा किए। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब लिखना है, वर्ब देखने को मिले तो उसमें आपको ing ऐड करना है। अगर नाउन दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर इल दिया है इसका आपको इलनेस करना होगा। इस प्रकार से कुछ बनाने होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको बने हुए देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी में कंबाइन करना है। हिंदी में कंबाइन करेंगे तो आपका अर्थ निकलेगा, उसने ₹5 के बदले में या ₹5 से एक पेन खरीदा। तो यहां तो आपको प्रीपोजिशन दिया है, तो आपको लिख देना है ही बॉट अ पेन फॉर, अब आपने फॉर लिख दिया, बस केवल आप प्राइस लिख दें यहां फॉर RS 5, यानी उसने ₹5 के बदले में एक पेन खरीदा। अब के लिए के अर्थ में देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही गॉट ग्रेट ऑनर, उसने एक महान सम्मान प्राप्त किया, ही सेव्ड द लाइफ ऑफ किंग, उसने राजा के जीवन को सेव्ड सुरक्षित किया या बचाया। तो अब आप फ्रेंड्स आप इसे हिंदी में कंबाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने राजा के जीवन को या उसे राजा के जीवन को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मान प्राप्त किया। तो आपको लिखना होगा ही गॉट ग्रेट ऑनर। अब फ्रेंड्स इसे हटा देंगे आप फॉर के लिए, अब आपका वर्ब आ जाए, इसे आपको जीरंड फॉर्म में लिखना है, तो आपको लिखना होगा सेविंग, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद उसमें आईएनजी, तो सेविंग द लाइफ ऑफ किंग।
तो सिंपल सेंटेंस होगा ही गॉट ग्रेट ऑनर फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ किंग, यानी उसने राजा के जीवन को बचाने के लिए महान सम्मान प्राप्त किया। जैसे फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, रावण स्टोल सीता, रावण ने सीता को चुराया था। तो आप हिंदी में कंबाइन करेंगे, राम ने रावण को सीता चुराने के लिए मारा, तो राम किल्ड रावण फॉर स्टीलिंग सीता, इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स आप देखें आपका जो अगला प्रपोजिशन दिया है विद, उसका कुछ एग्जांपल है, ही इज इल, वह बीमार है, ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो हिंदी में कंबाइन करेंगे तो आपका बनेगा, वह तेज बुखार से बीमार है। तो आपको लिखना होगा ही इज इल विद हाई फीवर, विद हाई फीवर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हिंदी में कंबाइन करना होगा, ही इज इल विद हाई फीवर, वह तेज बुखार से पीड़ित है या बीमार है। अगला दिया है फ्रेंड्स मैंने के साथ के अर्थ में, यह तो से के अर्थ में आया था। तो द डेकोर्स मर्डर्ड अ मैन, यानी कि जो डेकोर्स डाकू थे उन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर्ड यानी खून कर दिया। दे यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया आ नाइफ टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने के लिए एक चाकू का प्रयोग किया। तो आपको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो होगा, डाकुओं ने एक चाकू से एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो आपको लिखना होगा, द डेकॉइट्स मर्डर्ड अ मैन विद अ नाइफ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका एक नया सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, द डेकोइट्स मर्डर्ड अ मैन विद अ नाइफ, यानी कि डाकुओं ने एक चाकू से एक व्यक्ति का मर्डर यानी खून कर दिया। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रपोजिशन है ऑन, उसके कुछ एग्जांपल लिए हैं, ही सॉ द मून, उसने चंद्रमा देखा, ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। तो हिंदी में आप कंबाइन कर सकते हैं, चंद्रमा देखने पर वह प्रसन्न हो गया, देखने पर। तो आपको लिखना होगा ऑन, अब सौ का फर्स्ट फॉर्म लिखना है फ्रेंड्स, वर्ब है तो इसमें आपको आईएनजी लगाना है, ऑन सीइंग, यह जीरण बन गया, ऑन सीइंग द मून, द मून। अब फ्रेंड्स आपको कॉमा लिखना है और लिख देंगे ही विकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया यानी चंद्रमा देखने पर वह प्रसन्न हो गया। एक नाउन के लिए लिया है फ्रेंड्स, जैसे ही रॉट अ लेटर, उसने एक ही रॉट अ बुक, उसने एक किताब लिखा, द बुक वॉच ऑन द ट्रांसलेशन, किताब अनुवाद पर थी। तो इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको प्रीपोजिशन पहले से ही दे रखा है, तो आपको लिखना होगा ही रॉट अ बुक। अब फ्रेंड्स प्रपोजिशन दिया है तो ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स इसके अंत में आई ओ एन लगा होता है, वह आपका नाम होता है। तो हिंदी में कंबाइन होगा आपका, उसने अनुवाद पर एक किताब लिखी। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स। अगला एग्जांपल है, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। तो हिंदी में कंबाइन करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होगा, मैं आपकी मदद के बिना यानी मैं आपकी मदद के बिना असफल हो गया होता, मैं असफल हो गया होता आपकी मदद के बिना। तो पहले इसे लिखना होगा आपको, आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड आपकी मदद के बिना, तो विदाउट, विद आउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प मैं आपकी मदद के बिना असफल हो गया होता। जैसे एक और एग्जांपल, यू हेल्प्ड मी फुल स्टॉप, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद की, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, मैं डूब गया होता था, तो मैं आपकी मदद के बिना डूब गया होता। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो बीमार होने के कारण वह विद्यालय नहीं गया। तो के कारण के लिए आप चाहें तो ऑन अकाउंट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूं यहां ऑन अकाउंट ऑफ, अब इसे आप नाउन बना देंगे तो इलनेस नाउन हो जाएगा फ्रेंड्स, इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस यानी बीमार होने के कारण ही कुड नॉट
गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इट रेंड, वर्षा हुई, द स्ट्रीट्स वर फ्लोडेड, और जो गलियां थी वह फ्लोडेड उफनने लगी या भर गईं। तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि गलियां बारिश के कारण उफनने लगी। तो मैंने बताया था ड्यू टू, आप अंदर यूज करेंगे तो आपको लिखना होगा द स्ट्रीट्स वर फ्लोडेड, यानी कि गलियां उफन रही थी ड्यू टू रेन, यानी कि गलियां वर्षा के कारण उफन रही थी। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा, ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को धुला, ही एट फूड, उसने भोजन किया या भोजन खाया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं और बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बिफोर का यूज करना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख दें, तो आपको लिखना होगा ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर। अब फ्रेंड्स बिफोर के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्योंकि आप ही को हटा देंगे तो आपको लिखना होगा ईट, इसी में आपको आईएनजी ऐड कर देना है ईटिंग फूड, क्योंकि वर्ब आएगा तो उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, अर्थात जीरंड फॉर्म में लिखना है। तो हिंदी होगा उसने भोजन खाने से पहले अपने हाथ धुले। अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं, अगर आफ्टर का यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे ही एट फूड आफ्टर वॉशिंग, वॉश का फर्स्ट फॉर्म देखना होगा, उसी में आपको आईएनजी ऐड करना होगा वॉशिंग हिज हैंड्स। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दें ही एट फूड आफ्टर वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, यानी कि उसने अपने हाथ धुलने के बाद अपना भोजन खाया, और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ धुले बिफोर ईटिंग फूड, यानी भोजन करने से पहले। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, वह खेत में कार्य कर रहा था। तो आप कैसे कहेंगे, बीमार होने के बावजूद वह खेत में कार्य कर रहा था। तो के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, आप चाहे तो बींग कर सकते हैं या इलनेस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ बी वर्ब है तो बींग लिख देता हूँ, बींग इल। आप चाहे तो इलनेस भी लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ इलनेस या इन स्पाइट ऑफ बींग इल कॉमा, दूसरे सेंटेंस से हमें कुछ नहीं करना है, ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड। इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षा पास ना कर सका। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू गेव मी मनी, आपने मुझे धन दिया, यू हेल्प मी आल्सो, और आपने मेरी मदद भी की। तो इसका हिंदी अर्थ लेंगे फ्रेंड्स, यानी कि आपने मुझे धन देने के अतिरिक्त मेरी मदद भी की। तो के अतिरिक्त के लिए आपको प्रपोजिशन दिखाई दे रहा है बिसाइड्स, तो आप शुरुआत में ही लिख देंगे बिसाइड्स बिसाइड्स। अब फ्रेंड्स आप इसे हटा देंगे, गिव का फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको, उसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो गिविंग मी मनी, उसके बाद कॉमा दे के दूसरा सेंटेंस यू का तो लिख देंगे यू हेल्प्ड मी। आल्सो की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह के अतिरिक्त में ही आ जाता है। तो हिंदी अर्थ होगा, यानी कि मुझे धन देने के अतिरिक्त आपने मेरी मदद भी की। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दो या एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स। तो आपका अगला एग्जाम्पल है, ही वॉज अवार्डेड, उसे सम्मानित या पुरस्कृत किया गया, ही वॉज गिवन अ मेडल, उसे एक मॉडल दिया गया। तो हिंदी में आप कंबाइन करेंगे तो आपका हिंदी में कॉम्बिनेशन जो होगा वह होगा कि उसे एक पदक के द्वारा सम्मानित किया गया। तो आपको लिखना होगा के द्वारा से, यानी कि वाई का यूज करेंगे, ही वॉज अवार्डेड अ मेडल, ही वॉज अवार्डेड वाई, यही लिख देंगे, वाई बींग अ
वाई विंग, अब चाहे तो गिवन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन अ मेडल। तो आपको लिखना होगा ही वॉज अवार्डेड वाई विंग गिवन अ मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है द डेकोर्स मर्डर्ड रवि, यानी जो हत्यारे थे या डकैत डाकू थे उन्होंने रवि का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। दे डिड सो इन अ फील्ड, उन्होंने ऐसा एक खेत में किया। तो आप देखें यानी डाकुओं ने खेत में रवि का मर्डर कर दिया। तो आपको इतना पोर्शन सब कुछ हटा देना है क्योंकि प्रीपोजिशन दिया है, हमें कुछ लगाना भी नहीं है। तो आप लिखेंगे द डेकोइट्स मर्डर्ड रवि, अब लिख देंगे आप इन अ फील्ड, यानी कि रवि डाकुओं ने रवि का खेत में मर्डर कर दिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ही मे टेक अ पेन, वह एक पेन ले सकता है। ही शुड नॉट टेक अ पेंसिल, वह एक पेंसिल, उसे एक पेंसिल नहीं लेनी चाहिए। तो वह पेंसिल के बजाय एक पेन ले सकता है, के बजाय तो इन स्टीड ऑफ, तो आपको लिखना होगा ही मे टेक अ पेन के बजाय इन स्टीड ऑफ। अब आपको यहां से कुछ नहीं लिखना है, जो नहीं लेना है वह भी आप यहां लिख देंगे अ पेंसिल। तो उसे या वह एक पेंसिल के बजाय एक पेन ले सकता है या उसे लेना चाहिए। अगला एग्जांपल है ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह एक स्वतंत्र मनोभाव या आत्मा वाला व्यक्ति था। तो इसमें भी फ्रेंड्स आपको प्रीपोजिशन दिया है, उसके बाद नाउन दिया है, हमें कुछ नहीं करना है। तो ही वॉज अ पुअर मैन, अब इतना हटा देंगे तो ऑफ से लिखेंगे ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। तो इस प्रकार से आपका एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी वह एक स्वतंत्र मनोभाव या आत्मा का एक गरीब व्यक्ति था। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।